आशा बसु और करण सिंह ग्रोवर बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक कपल्स में से एक। आज है इस कपल की एनिवर्सरी और अपनी एनिवर्सरी के मौके पर दोनों ने एक दूसरे के लिए प्यार भरा संदेश लिखा है, जहां करण सिंह ग्रोवर ने लिखा है कि जिस दिन मैं तुमसे मिला था वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था, फिर जिस दिन हमारी शादी हुई वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन बन गया। इसके बाद करण सिंह ग्रोवर ने लिखा, शादी के बाद जब जब मैं तुम्हारे साथ सुबह उठा तो वो हर दिन मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन बन गया। करण ने लिखा कि तुम्हारे साथ सुबह की शुरुआत करना एक सपने की तरह है। मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। करण ने आगे लिखा कि मेरी जिंदगी के ये दिन यूं ही बेस्ट बनते रहेंगे क्योंकि तुम ही मेरे साथ हमेशा जागोगी। वेल, करण सिंह ग्रोवर ने जहां बातों ही बातों में जिंदगी भर के साथ का वादा कर दिया है, तो बिपाशा बसु ने भी एक वादा किया। दरअसल बिपाशा बसु 28 अप्रैल से ही 30 अप्रैल की तैयारियां शुरू कर देती हैं। दरअसल बिपाशा अपनी एनिवर्सरी से दो दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर देती हैं, जिससे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो बिपाशा ने करण को विश करते हुए लिखा, मैं वादा करती हूं कि अब से मैं 28 अप्रैल से हमारी शादी के सालगिरह की सेलिब्रेशन में नहीं लगूंगी। बिपाशा ने अपनी और करण की शादी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए करण के लिए अपना प्यार जताया और करण को एनिवर्सरी विश करते हुए सच्चे प्यार का एहसास करवाने के लिए शुक्रिया कहा। वेल, इन दोनों ने एक दूसरे को बेहद ही प्यार से एनिवर्सरी विश की। इनकी एनिवर्सरी के मौके पर इनके सभी फैंस को और इस प्यारे से कपल को ढेर सारी बधाइयां। हम भी यही मनोकामना करते हैं कि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए यूं ही एक दूसरे के प्यार में बंधे रहें। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।